अंबेडकर नगर में डीएम एसपी ने चुनाव को लेकर मीडिया बंधुओं से प्रेस वार्ता कर आदर्श आचार संहिता के नियम व कानून को पत्रकारों के सापेक्ष अपनी बातों को प्रस्तुत किया। पुलिस अधीक्षक व जिलाधिकारी का कहना है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले कार्यकर्ता एवं प्रत्याशियों पर विशेष निगरानी रहेगी। वहीं पर जिलाधिकारी ने क्षेत्र में प्रचार प्रसार के लिए प्रत्याशी को लेकर 10 गाड़ियों का वाहन पास होना अति आवश्यक है, जो कि सभी गाड़ी में वाहन पास लगा होना अति आवश्यक है। इलेक्शन को लेके पुलिस द्वारा जो हमारा फोर्स डिप्लॉयमेंट प्री पोल ड्यूरिंग पोल पोस्ट पोल होगा उसके सारा असेसमेंट करते हुए हमने बाहर से सीएपीएफ की मांग कर दी गई है। जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे पास सीआईएसएफ की एक कंपनी और पीएसी की तीन कंपनियां पहले से जनपद में मौजूद है जो अलग अलग जगह पर फ्लैग मार्च कर रही हैं। कल आचार संहिता के लागू होते ही हमारे जनपद में 15 फ्लाइंग टीमें भी एक्टिवेट कर दी गई हैं, जो हमारे सभी असेंबली कंस्टिट्यूएंसी में तीन तीन फ्लाइंग टीमें एक्टिवेट की गई हैं। पुलिस द्वारा कानून व्यवस्था के दृष्टिगत लगभग 25,000 लोगों को पूर्व से ही पाबंद किया जा चुका है और गुंडा में लगभग 100 से अधिक कार्रवाई, गैंगस्टर में 20 से अधिक कार्रवाई तथा इसके अलावा शस्त्र जमा कराने की जो हमारी कार्रवाई है उसमें लगभग हमारे जनपद के 8,000 शस्त्रों में से 40% शस्त्र जमा कराए जा चुके हैं। आने वाले समय में शीघ्र ही शेष शस्त्रों को भी, जिनको डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी से एग्जेम्पशन नहीं मिला है, उनको भी जमा कराया जाएगा। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।